तो फ्रेंड देखिए, ये आलू का हलवा जिसे हमने बिना उबाले तैयार किया है, अलग तरीके से बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और खाने में बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आएगा। तो आपको आगे इस रेसिपी को किस तरह से मैंने तैयार किया है ये देखने के लिए वीडियो कंटिन्यू करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहेगी। तर फ्रेंड समोर कंटिन्यू करूया, जेणेकरून आपण बघू शकता की मी बटाट्याला न उकळता कशा पद्धतीने हा शिरा आलूचा किंवा बटाट्याचा तयार केलेला आहे। तर फ्रेंड आपण कंटिन्यू करूया रेसिपीला, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड व्रत या उपवास हो या हम कोई फास्ट करते हैं, जब तब क्या होता है, हम ज़्यादा करके साबूदाने की रेसिपी का यूज़ करते हैं और साबूदाना उपवास में फास्ट में सभी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर हम साबूदाना की जगह दूसरे भी चीज़ों को हम फास्ट में सम्मिलित करें, दूसरे भी रेसिपी को सम्मिलित करें जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, और वो भी हमने ट्राई करना चाहिए। तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ में आलू का हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करूँ उसके पहले इंदौरी किरण किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तर फ्रेंड आज मैं आलू का शिरा ही रेसिपी आपके सोबत शेयर करता है। तो ये रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं वो आपको मैं रेसिपी बनाते बनाते दिखाते जाऊँगी। ये रेसिपी थोड़ी हम डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। जो आलू का हलवा बनाया जाता है जनरली, उसमें क्या करते हैं फ्रेंड, आलू को बॉयल करके बनाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जो हलवा या शीरा बनाने वाले हैं आलू का, उसको न उबालते हुए हमको बनाना है। तो वो किस तरह से बनाएंगे हम वो शीरा की रेसिपी आप यहाँ पर देखें और उसे एंजॉय करें। तो इस तरह से फ्रेंड अभी जो हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे आलू की, तो उसके लिए मैं यहाँ पर गैस ऑन कर दूँगी और यहाँ पर मुझे पैन रख देना है। तो मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है और इस पैन में मुझे क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ चार मिडिल साइज़ के आलूओं को लिया है मैंने, और बड़ी वाली जो किसनी रहती है ना, मोटी वाली, उससे मैंने ये आलू को ग्रेट कर लिया है, किस लिया है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटेड आलू को मुझे अभी यहाँ पर कढ़ाई में डाल देना है। तो मैं पूरा ही आलू यहाँ पर ले लेने वाली हूँ। मुझे क्या करना है, हम यहाँ पर खवे का यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जनरली हम शीरा या हलवा बनाते हैं वहाँ पर खवे का या खोया या जिसको बोलते हैं हम मावा का यूज़ किया जाता है करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मलाई का यूज़ कर रही हूँ। ये मलाई क्या होती है, जैसे जैसे इसमें मिक्स होती जाएगी वैसे वैसे उसका खोआ भी बनते जाएगा और साथ में घी भी बनते जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 दिन की मलाई को, 1 लीटर दूध की जाड़ी जाड़ी मलाई निकलती है जो, उसको यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। हलवा थोड़ा कलरफुल दिखे, अच्छा दिखे, इसलिए मैंने एक गाजर को उसे किसनी से ग्रेट कर लिया है, तो वो भी यहाँ पर मिक्स कर दूँगी, तो वो भी साथ में इसके पक जाएगा। और मुझे यहाँ पर घी ऐड कर देना है, तो मैं 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर घी मिला दूँगी। तो ये 1 टेबलस्पून ले लिया है, ये 2 टेबलस्पून। हमें ज़्यादा घी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मलाई से भी यहाँ पर घी ही बनने वाला है। इस तरह से हम आलू का हलवा बनाते हैं ना जब, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। एक खवे का फीलिंग आता है इसमें और एक रिचनेस लगती है खाते समय। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे पका लूँगी, तो 4 से 5 मिनट तक मुझे पका लेना है इसे। तो मैंने ढक दिया है। इस तरह से आलू को पकने के लिए जब छोड़ दे, तब आप बीच बीच में से इसे चलाते रहें, जिससे ये पेंदे में नहीं लगेगा और जलेगा नहीं। 2 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसे चेक कर लूँगी, इसे घुमा लूँगी मैं।
देखिए ये मलाई किस तरह से खोवे में बदलती जा रही है। इसे ढक दिया है और फिर से मुझे 3 मिनट के करीब पका लेना है। हलवे को पकाने की प्रोसेस लो टू मीडियम फ्लेम पर करनी है। फास्ट पे करेंगे तो ये क्या है, जल सकता है। तो फ्रेंड अभी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मलाई पतली हो चुकी थी वो अब यहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा हो चुका है, सब देख पा रहे होंगे आप। तो अभी इस कंडीशन में क्या करना है, जब यहाँ का मलाई का जो मिल्क होता है वो रिड्यूस हो जाए ना फ्रेंड, उस समय हमको यहाँ पर शुगर मिक्स कर देनी है। तो शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे यहाँ मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। थोड़ा जब गीलापन हो तभी इसमें डालें, क्योंकि उससे क्या होगा, शुगर अच्छे से मेल्ट होगी और जो बचा कुचा आलू पकने का रहा होगा ना वो भी पक जाएगा इसमें। मैं फिर से ढक दूंगी, अभी ये और पतला होने वाला है शक्कर की वजह से। नमक ऐड कर दूंगी, 2 पिंच के करीब लिया है, इसे मिक्स कर देना है। किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डाल देना तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे फिर से। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं आप, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई, लेकिन अभी इसे हमें गाढ़े होने देना है, ले फिर से इसे ढककर पका देंगे। तो फ्रेंड देखिए ये शक्कर डालने के बाद में पहले पतला हुआ और अब ये गाढ़ा होने लगा है। तो इस तरह से हलवा बनाते हैं ना फ्रेंड, तो क्या होता है जो उबालने का टाइम है ना वो भी टाइम बच जाता है हमारे यहाँ, और शीरा होता है ये हलवा होता है ये भी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बस अब ये 2 से 3 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, यानी कुल यहाँ पर 7 से 8 मिनट लगे हैं हमको बनाने के लिए। देख लेते हैं हलवे, बहुत बढ़िया कलर दिख रहा है इसका। देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ क्या करना है, जो मैंने मनुका लिए, आप ड्राई फ्रूट्स में आपकी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो वो ऐड कर दूँगी और कुछ बादाम कर दूँगी और पिस्ते करूँगी। आप डालना पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 1 मिनट के लिए पका लूँगी। बस मैंने 1 केला लिया हुआ है, इसे छिलकर अच्छे से मैश कर लूँगी मैं, और वो भी हमें इस हलवे में डालना है। इससे खाने में है ना थोड़ा सा अच्छा सा फीलिंग आता है अपने को। तो ये मैं मैश कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये मैश किया हुआ केला मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिला लूँगी, और इसे अब पकाने की ज़रूरत नहीं, बस ढक के रखना है 2 मिनट के लिए। वो डाल के मिक्स कर दिया है, अभी लास्ट में इलायची पाउडर डाल दूँगी, मिक्स कर देती हूँ। और गैस ऑफ कर दूँगी और 2 मिनट के लिए ढककर रहने दूंगी। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर दिख रहा है, ये 2 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल के गार्निश कर लूँगी। इस तरह का हलवा बनाते हैं ना फ्रेंड, तो दिखने में भी कलर सुनहरा होता है जो बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी रेसिपी हम जो बनाए वो सबसे पहले आँखों से खाई जाती है, तो जो दिखने में जितनी ज़्यादा सुंदर होगी खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पिस्ता और बादाम से गार्निश कर लेंगे।
फ्रेंड देखिए ये चमचा, तो फ्रेंड देखिए ये चमचमाता हुआ अलग तरीके से बिना आलू को उबाले हमने इंस्टेंट और बहुत ही जल्दी आलू का हलवा बना के तैयार कर लिया है। और जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए वो हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। इस तरह का हलवा जो होता है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसमें जो हमने मलाई यूज़ की है इसकी वजह से इसमें खाते समय एक क्रीमी और रिचनेस लगता है हमको, और ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड देखिए ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तर फ्रेंड आपल्याला ही रेसिपी जर पसंद आली तर या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, आणि जे व्ह्यूअर जे फ्रेंड पहिल्यांदा माझ्या चॅनलवर आले आहेत त्यांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यावे आणि बेल आयकन पण प्रेस करावे, जेणेकरून कुठला पण व्हिडिओ मी टाकला की त्याची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर आपल्याला मिळेल। तो फ्रेंड देखिए आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले, और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको निश्चित ही पसंद आएगी। मिलती हूँ मैं आपके साथ में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।